वेलकम टू बैक टू माई YouTube चैनल। तो आज का टॉपिक है मेरे बाइक के बारे में, द फाइव थिंग्स दैट आई हेट अबाउट माई बाइक। तो पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है बाइक का वाइज़र। जो बाइक का जो वाइज़र है वो बहुत ही रैटल करता है, 4000 और 6000 RPM के बीच में ये बहुत ही रैटल करेगा। ये वाइज़र मैंने दो बार पहले से ही चेंज करवा लिया है, और इसके जो रबर सीलिंग से वो भी मैंने चेंज करवा के देखे, पर ये फिर भी वही प्रॉब्लम दे रहा है। 4000 टू 6000 RPM के बीच में बहुत ही रैटल करता है। तो ये गाड़ी का वाइज़र का सॉल्यूशन तो कुछ नहीं है फिलहाल। दूसरा पॉइंट है बाइक के मिरर्स। बाइक के मिरर्स का ये प्रॉब्लम है कि इसका जो पीछे का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बहुत ही बुरा है। अगर आप पिलियन के साथ राइड करते हो तो पीछे का आपको कुछ नहीं दिखेगा, इसलिए आप जितने भी 220 ओनर्स को देखेंगे तो उनका मिरर्स ऐसे क्लोज ही रहता है। जो तीसरा पॉइंट है वो है बाइक का सीट। सीट कंफर्टेबल नहीं है, बाइक का सीट बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आप लॉन्ग राइड पे राइड करते हैं ये बाइक तो आपको बहुत ही तकलीफ़ होगी ये सीट पे। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक एयर कुशन ले लें इस बाइक के लिए। और जो चौथा पॉइंट है वो है गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस। इसको मिडल स्टैंड होने के कारण बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ही कम है। अगर आप एक पिलियन के साथ राइड करते हैं सिटी राइड में तो ये स्पीड ब्रेकर्स पे बहुत ही स्क्रैच करता है इजीली। इसके कारण ये इस आवाज़ बहुत करता है ये स्क्रैच होने के बाद, इसलिए इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है। और जो पाँचवा पॉइंट है ये गाड़ी का रियर ब्रेक्स। गाड़ी के फ्रंट ब्रेक्स में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्सलेंट है, पर पीछे के जो ब्रेक्स है उसमें बहुत ही प्रॉब्लम है। अगर आप हाई स्पीड पे क्रूज़ कर रहे हो 60 अबाव, और अगर आप पैनिक ब्रेकिंग करते हो तो पीछे का टायर स्किट मारेगा। और अगर आप फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक को कंबाइन करके दोनों को एक साथ अच्छी तरह से प्रेस करके ब्रेक लगाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर खाली आप पीछे का ब्रेक दबाओगे तो वो स्किट कर जाएगा गाड़ी। तो ये एक प्रॉब्लम है। गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।